लगता है पायरेट्स पब अब महज पब न रहकर कुश्ती का मैदान बन गया है। जी हाँ, दरअसल बीते दिनों इसी पब में मारपीट और विवाद का मामला सामने आया था, जहां अब इसी क्रम में एक और नया मामला जुड़ गया है। पब में हंगामे की एक और घटना में कथित तौर पर एक आरोपी को धक्का देने पर चार लोगों ने दो लोगों की बहरमी से पिटाई कर दी। यह घटना सोमवार को अंबाझरी पुलिस स्टेशन परिक्षेत्र में धर्मपेट के पायरेट्स पब में हुई है। पीड़ितों की पहचान मिर्जा असलान फहीम बेग और ओम कतले के रूप में की गई है। आरोपियों की पहचान प्रशांत धोटे, ऋषिकेश बागमारे, रॉकी यादव और श्रेय साहू के रूप में हुई है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बेग को इलाज के लिए IGMCH में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अंबाझरी पुलिस स्टेशन के एरिया में वेस्ट साइकिल रोड पे पैरेड बियर बार पब है। वहाँ पे संडे को 21 तारीख को रात को 11:30-12 बजे के आसपास कुछ लोग बार में आए थे और नाचने के सिलसिले में उनका एक दूसरे को धक्का लगा, तभी उनका बातचीत बढ़ गया और झगड़ा होने के कारण कुछ लोगों ने हाथापाई हो गई और तभी एक जिसने पिया था एक आदमी ने दूसरे के बियर का बॉटल तोड़ के फेंक के मारा, तभी उसको कंधे में और सर पे थोड़ा लगा है। उसको जैसा पुलिस को जानकारी मिली, हमारे DB पथक तुरंत वहाँ पे पहुँचे और वो लोगों को ताबे में लेके थाने में लाए। तभी जो जख्मी था उसको तुरंत मेयो हॉस्पिटल मेडिकल यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया और उनका दिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस स्टेशन अंबाझरी में हमने अपराध नंबर 242/24 कलम 324/323/504/506 IPC के तहत हमने अपराध रजिस्टर किया है। इसमें जो फिरियादी है उसका नाम है मिर्जा असलम फहीम बेग, उम्र 23 साल, रहना उसका दसरा रोड PS कोतवाली के अंदर ये रहता है। उसका दोस्त था ओम किशोर कथले, इसके साथ में वो वहाँ पे आया था और तभी ये झगड़ा हुआ था। हमने पूरे CCTV कैमरे चेक किए और उसके तहत हमने फिरियादी ने दिया रिपोर्ट के अनुसार चार अपराधी के खिलाफ हमने अपराध रजिस्टर किया है। उसमें से दो अपराधी को हमने ताबे में लेके कार्रवाई किया है। उसमें उनके नाम है पीयूष उर्फ ऋषिकेश वाघमारे, उम्र 26, रहना उसका महाल, और दूसरा है श्रेयस शाहू, ये भी कोतवाली की तरफ रहने वाला है। और जो दो फरारी है रॉकी यादव और प्रशांत उर्फ बॉबी धोटे, ये दो फरारी है, इनको हमारी तलाश जारी है कि जल्दी से जल्दी इनको हम अरेस्ट करके कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये एक दूसरे को जानते नहीं है, कुछ पहचान नहीं है, खाली आकस्मिक कारण हो गया, नाचने के टाइम में एक दूसरे को धक्का लगा और आकस्मिक कारण से झगड़ा हो गया। ऐसा कोई उनका कोई पहले से कोई एक दूसरे के ऊपर कोई खुन्नस या कोई अपराध नहीं है। इसके जो दो आरोपी हैं मेन जो वांटेड है, इनके ऊपर हमने जब मालूमात निकाला तब इनके ऊपर इससे पहला नागपुर शहर में गंभीर स्वरूप के अपराध रजिस्टर है और वो अभी बेल पे रिलीज है। अभी ये दोनों आरोपी को हम ताबे में लेके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।